एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल हेलो फार्मासिस्ट। तो आई होप आप सभी लोग बहुत ही गुड एंड वेल होंगे। तो आइए इस वीडियो में बात करते हैं कि आप एक जगह किसी टॉपिक को पढ़ के दूसरी कॉपी दूसरे सब्जेक्ट में लिख सकते हैं। स्टूडेंट का कमेंट आया था, इस कमेंट को ध्यान से पढ़िएगा। एक मिनट, आई होप आप लोग ने पढ़ लिया होगा। इस स्टूडेंट ने पूछा है कि क्या हम एक जगह क्वेश्चंस को लर्न करके दूसरे सब्जेक्ट में लिख सकते हैं। तो ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है और उन स्टूडेंट्स ने ये भी बोला था कि दीदी इस टॉपिक को अच्छे से बताइएगा। मैं चाहती तो कमेंट में ही लिख के बता सकती थी, लेकिन मैंने सोचा आई थिंक मुझे ये वीडियो एक बना देना चाहिए जिससे कि सभी लोगों को पता चल जाएगा, और उस बच्चे का भी यही कहना था। तो आइए इस वीडियो में हम लोग जानते हैं कि अगर क्या आप एक जगह किसी टॉपिक को पढ़े रहेंगे तो दूसरे सब्जेक्ट में उस टॉपिक को लिख सकते हैं या नहीं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले कुछ इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है जिसको आपको पता ही होना चाहिए, तभी आपको ये पूरा वीडियो समझ में आएगा। तो देखिए, मैंने डे ऑफ फर्स्ट ईयर ऑल सब्जेक्ट्स के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को अपलोड कर दिया है। अगर आपने नहीं देखा है तो चैनल पर जरूर एक बार विजिट कर लीजिएगा, जिससे आपका ही प्रॉफिट होने वाला है। और वो क्वेश्चंस एग्जाम में काफी बार आए हैं, मैंने जो भी क्वेश्चंस बताए हैं वो काफी बार एग्जाम में रिपीट हुआ है, और ऐसे ही नहीं कि कोई भी सिलेबस लिया और उसे लिख दिया। मैंने सारी बुक्स हमारे पास रखी हुई है इधर, मैंने उन बुक से इन सभी क्वेश्चंस को ढूंढा है जो कि बहुत से ईयर 10 ईयर प्रीवियस क्वेश्चन से ढूंढा है, जो कि बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है और वो टॉपिक एग्जाम में जरूर ही आते हैं। तो इन सभी क्वेश्चंस के बारे में आपको जरूर पता ही होना चाहिए। अगर आपने उन सभी टॉपिक्स को नहीं कवर किया है, नहीं पढ़ा है, तो जल्दी से जाना। अगर आप फर्स्ट ईयर में हो तो सभी टॉपिक्स को, उन बताए गए सब्जेक्ट्स के सभी टॉपिक्स को कवर कर लेना, जिससे आपका ही फायदा होने वाला है और रैक लगने से बच जाओ। तो अभी से आप लोग को तैयारी अपनी स्टार्ट कर देनी है। बहुत से स्टूडेंट्स ने तैयारी स्टार्ट कर दी है और सॉल्व भी करना स्टार्ट कर दिया है। जैसे कि स्टूडेंट्स के कमेंट्स आते हैं कि अब मुझे इन सभी क्वेश्चंस के सॉल्यूशन दीजिए, तो मैं सभी लोगों को यही कह रही हूँ कि अब इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस अपलोड कर दिए हैं और मैं धीरे धीरे अब सब्जेक्ट बाय सब्जेक्ट एक एक सब्जेक्ट के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो दिए हैं मैंने खुद लिख लिख के क्वेश्चन पेपर टाइप का बना के उनके आंसर्स भी अपलोड करूंगी। लेकिन उससे पहले ये वीडियो बहुत ही ज्यादा जरूरी था, और सेकंड ईयर के भी ऐसे ही मैंने अपलोड कर रखे हैं इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सब्जेक्ट बाय सब्जेक्ट चैनल पर अपलोड है, जरूर चेक करिएगा, इससे आपका ही प्रॉफिट है। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले यही थी आपके लिए इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन, और उन्हीं इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को देख के उस स्टूडेंट का कमेंट आया है कि क्या हम जो आपने टॉपिक्स बताए हैं बार बार रिपीट हुए हैं, वो ऐसे 3 सब्जेक्ट हैं जो मैंने इम्पोर्टेंट टॉपिक्स बताए हैं, ऐसे 3 सब्जेक्ट हैं जो कि वो टॉपिक रिपीट हुआ है। जैसे कि आपका सब्जेक्ट नेम डी फार्मा फर्स्ट ईयर का हो गया फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री, पहले सेकंड ईयर में भी 3 फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री, लेकिन न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग सेकंड ईयर से हटा के फर्स्ट ईयर वाली फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री में इंक्लूड कर दिया गया। ठीक है, तो फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री जो डी फार्मा फर्स्ट ईयर की थी वो तो थी ही, लेकिन सेकंड ईयर के भी कुछ टॉपिक्स इसमें ऐड कर दिए हैं, तो जिनके बारे में आपको पता ही होना चाहिए। तो ये हो गया डी फार्मा फर्स्ट ईयर के बारे में। ठीक है, और अगर आप यहाँ से इस सब्जेक्ट को अच्छे से कवर कर लेते हो, अच्छे से पढ़ लेते हो, ये सब्जेक्ट फर्स्ट ईयर का आपका सेकंड ईयर में बहुत ही ज्यादा हेल्प करेगा, क्योंकि सेकंड ईयर में ऑलरेडी आपके पास 7 सब्जेक्ट हो जाते हैं। अब बहुत से स्टूडेंट सोच रहे होंगे 7 कहाँ 6 ही रहता है, तो आपको एक एनवायरमेंटल सब्जेक्ट रहता है एडिशनल, उसका भी एग्जाम देना रहता है, और उस एग्जाम में आपको पास होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। अगर उस सब्जेक्ट में जिस स्टूडेंट की बैक लगती है, सभी सब्जेक्ट में बैक माना जाता है, इस वजह से आपके 7 सब्जेक्ट होते हैं। फार्मेसी के तो 6, ठीक है, फर्स्ट ईयर में 5 और सेकेंड ईयर में 6, और एनवायरमेंट को मिला के सेकंड ईयर ओनली सेकंड ईयर में देना रहता है, फर्स्ट ईयर में नहीं देना रहता है। अब बात करते हैं हम इन दोनों क्वेश्चन पेपर की, क्योंकि मैं 3 क्वेश्चन पेपर लेके आई थी। तो ये हो गया हमारा फार्माकोथेरेप्यूटिक और ये हो गया हमारा फार्माकोलॉजी। तो यहाँ पे मैं ये बता रही हूँ कि अगर आप इन दोनों सब्जेक्ट, उस बच्चे का कमेंट यही था क्या दीदी हम एक टॉपिक को एक जगह पढ़ के दोनों एग्जाम में लिख सकते हैं, तो वीडियो को ध्यान से देखिएगा। हाँ बिल्कुल लिख सकते हैं, इससे पहले आपको ये बहुत ही ध्यान से समझना है, और इसी वजह से मैं बताती हूँ आप सभी लोग को ज्यादा से ज्यादा अपने क्वेश्चन राइट करने की, क्वेश्चन
आंसर राइट करने की प्रैक्टिस करिए, क्योंकि इससे आपको बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस मिलेगा और एग्जाम हॉल में आपको टाइम बहुत ही अच्छे से बचा पाओगे, अपना मैनेज कर पाओगे। ठीक है, इस वजह से मैं आप सभी लोगों को बोलती हूँ कि ज्यादा से ज्यादा पहले आप एग्जाम देने से पहले क्वेश्चन खुद सोच लीजिए। ये क्वेश्चन पेपर मैंने अपलोड किया है, टेलीग्राम पे भी शेयर कर दूंगी अगर आप लोग का जिस सब्जेक्ट का से रिलेटेड कमेंट आएगा। ठीक है, और वैसे मैंने फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री का हिंदी इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में फर्स्ट ईयर का अपलोड किया है टेलीग्राम पर, टेलीग्राम डी फार्मा इजी नोट्स से मिल जाएगा आपको, या फिर हेलो फार्मासिस्ट पे सर्च करोगे दोनों से नाम से ही मिल जाएगा, और जो चैनल का लोगो है ना वही सेम लोगो टेलीग्राम पे ही लगा है। तो बात होगी कि आपको क्वेश्चन पेपर वहां से मिल जाएगा, और चैनल पर वीडियोस अपलोड है जहाँ पे मैंने बहुत ही अच्छे से समझाया है कि कौन सा क्वेश्चन किस टाइप से पूछा जाएगा। ठीक है, तो ये बात हो गई कि आपको क्वेश्चन लिखने की अच्छी प्रैक्टिस होनी चाहिए, तभी आप क्या कर पाओगे कि अगर आपने एक जगह पढ़ा है क्वेश्चन तो दूसरी जगह वही सेम लिख सकते हो। कब? जब आपकी लिखने की अच्छे से प्रैक्टिस रहेगी। तो ये जो बात है वो एक स्मार्ट स्टडी भी कहा जा सकता है कि हमने एक जगह पढ़ा और दोनों जगह काम कराए, तो यहाँ पे तो आपका तीन सब्जेक्ट कवर हो रहा है, क्योंकि फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री और ऑंकोलॉजी में सेम टॉपिक्स रहते हैं, और फार्माकोथेरेप्यूटिक जो न्यू सब्जेक्ट आया है आपका उसमें भी कुछ डिजीज के बारे में बताया इंक्लूड कर दिया गया है। पहले फार्माकोथेरेप्यूटिक में जो प्रोडक्ट्स होते हैं उनके बारे में पढ़ना रहता था, लेकिन न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग मेडिसिन और डिसीज के बारे में फार्माकोथेरेप्यूटिक में ऐड किया गया है। तो आई होप आप लोग अच्छे से समझ पा रहे होंगे कि आपको क्या करना है। ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस को ध्यान से पढ़ने की कोशिश करना है, और ये याद रखना है कि क्वेश्चन में पूछा क्या गया है, नहीं तो आप फार्माकोलॉजी वाला थेरेप्यूटिक में लेके चले आए और फिर सोचो कि हमने लिखा तो वही आंसर था, वही सेम लिखा था, बहुत ही अच्छे से लिखा था, लेकिन मेरे नंबर क्यों नहीं है। तो आपकी ये गलती दोबारा एग्जाम में मत करो। इस वजह से आप सभी लोगों को पूरे ध्यान से तरीके से अच्छे तरीके से क्वेश्चंस को पढ़ना अच्छे से है, और ये ध्यान रखना है कि क्वेश्चन में पूछा क्या गया है, जो पूछा गया है सिर्फ वही लिखना है, और फिर आप आराम से अगर आपने फार्माकोलॉजी में या केमिस्ट्री में या थेरेप्यूटिक में किसी एक टॉपिक को कवर किया है तो तीनों सब्जेक्ट में लिख सकते हो। तो यही हो गई कि एक तीर से तीन निशाने आप लगा सकते हो। क्या होगा आप लोगों को समझ में कि अगर आपने एक जगह पढ़ा है तो आप लोग तीनों जगह लिख सकते हो, लेकिन ध्यान इस बात का रखना है कि आपको क्वेश्चन में पूछा क्या गया है। ठीक है, और फिर बहुत ही आराम से आप एग्जाम की कॉपी में कहीं पे भी, या अगर आप कहीं पे भी हो लिख सकते हो अगर आपसे वो टॉपिक पूछा गया है। ठीक है, टॉपिक सेम रहते हैं हर जगह, क्योंकि जैसे अगर आपका नाम कुछ भी है, राम श्याम कुछ भी है, आई थिंक राम श्याम सीता गीता कुछ भी है आपका नाम, तो फिर अगर आप क्लास चेंज करते हो तो आप या आपका नाम तो चेंज नहीं होता है ना। इसी तरह कि अगर कोई टॉपिक किसी दूसरे क्लास के बच्चे से या किसी दूसरे सब्जेक्ट में पूछा जा रहा है तो वो चेंज नहीं होगा। बस क्वेश्चन पढ़ना आना चाहिए कि आपसे क्वेश्चन में पूछा क्या गया है। जैसे आपका ही कोई आपका इंटरव्यू लेता है, आपसे पूछता है कि आप कहाँ रहते हो, क्या नाम है, तो आप सिर्फ यही बताओगे ना कि मैं वहां रहता हूँ, मेरा नाम ये है। आप पूरी बात तो नहीं बताओगे ना कि मैं इतना बड़ा हूँ, मेरा इतना इयर्स ओल्ड है, मैं इतने बजे उठता हूँ, इतना बजे खाता हूँ, कुछ भी पूरा नहीं बताना। सिर्फ जो पूछा गया है सिर्फ वही बताना है। तो बस आपको ध्यान इसी बात का रखना है कि अगर आपसे कोई टॉपिक किसी अदर सब्जेक्ट में पूछा जा रहा है, आपने किसी अदर सब्जेक्ट में पढ़ा हुआ है, तो फिर आप लिख सकते हो। बस इसी बात का ध्यान रखना है। मैं काफी बार बोल चुकी हूँ कि क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है कि क्वेश्चन में क्या क्या पूछा गया है। अगर उसके थेरेप्यूटिक यूज पूछे गए हैं तो थेरेप्यूटिक यूज लिखना है, अगर क्लासिफिकेशन पूछे गए हैं तो क्लासिफिकेशन लिखना है। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि हम लिखेंगे कैसे, कैसे पहचानेंगे कि इसमें कितना क्या पूछा गया है। तो इसका बहुत ही आसान तरीका है कि मैंने जो वीडियोस अपलोड करी हैं या जो वीडियोस अभी अपलोड करूंगी, बस उन्हें ध्यान से पढ़िएगा, और उनमें मैं बताती भी हूँ कि ये क्वेश्चन आपसे इस टाइप से पूछा जाएगा और वो 100% पूछा ही जाएगा उसी टाइप से, कहीं और से नहीं आएगा। बस कुछ बातों का ध्यान रखोगे और आप अपना एग्जाम बहुत ही आसान तरीके से क्लियर कर पाओगे। तो
तो ये हो गई आपकी बहुत सिलेबस चेंज होने का बहुत ही ज्यादा फायदा कि आपको एक जगह से तीन तीन जगह फायदे मिल रहे हैं और आपको ज्यादा पढ़ना भी नहीं पड़ेगा। आई नो कि बहुत पढ़ना पड़ता है, क्लासिफिकेशन लर्न करने रहेंगे, लेकिन एक सब्जेक्ट आपका थोड़ा सा कम हो जाएगा। थोड़ा सा मतलब कि थोड़ा सा आपको इजी लगेगा। तो फ्रेंड्स, आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि आपको क्या करना है। अगर आपने एक जगह टॉपिक कवर किया है तो क्या आप पूरे एग्जाम में लिख सकते हो। और वीडियो अच्छा लगा लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। अगर आपका इच्छा, अगर आपकी मन है, वीडियो अच्छा लगा लाइक जरूर कर दीजिए। अगर किसी भी टॉपिक से रिलेटेड कोई कंफ्यूजन है, कमेंट ना। थैंक यू, टेक केयर, मीट यू नेक्स्ट वीडियो। बाय गाइस।